दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है कि जो इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत दुबला पतला होता है, अपनी उम्र से ज्यादा उम्र का दिखने वाला होता है, वृद्ध सा दिखता है पेशेंट, यंग एज में त्वचा सूखी हुई झुर्रीदार होती है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं सिकल कॉर्निटम से भी, उसका भी पेशेंट दुबला पतला होता है और शरीर जर्जर होता है, स्क्राउनी होता है। और सबसे खास बात है दोस्तों कि इस पेशेंट की जो कंडीशन ऐसी होती है वो इस वजह से होती है कि वो अनयूजुअल मेंटल एक्सर्शन या अनयूजुअल वर्क्स के साथ में या लंबे समय तक कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन करने की वजह से उसका शरीर दुबला पतला हो जाता है। तो ऐसे केस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवा है ये। और इसके बाद अगर एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज उत्पन्न होती है तो वहां पे अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही बढ़िया काम करती है। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट की एक खास बात होती है कि इसका जो पेशेंट होता है वो दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर दुबला पतला होता चला जाता है दोस्तों। और इस चीज से वो बड़ा परेशान रहता है और सुखंडी जैसा रोग हो जाता है इस पेशेंट को, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज ज्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा इस पेशेंट के खास सिम्टम ये है दोस्तों कि इस पेशेंट को बड़ा आतंक सा होता है, डर सा होता है, जैसे ये कहीं मीटिंग में या कहीं फंक्शंस में जहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं वहां पे जब जाने के लिए इच्छुक होता है या जब जाने की का प्रयास करता है कपड़े पहन करके, तभी उसको फील होता है डायरिया का, उसको महसूस होता है कि जैसे मोशन लगा हुआ है, लैट्रिन जाना पड़ेगा। इस चीज से बड़ा वो परेशान रहता है, डरा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस चीज को आप दूसरी जो मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ साथ में जलसीमियम में भी है, उसमें भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है इसका समय बड़ा धीमे धीमे व्यतीत होता है, जैसा कि कनाबिस इंडिका में भी है, उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है दोस्तों ये बहुत जल्दीबाजी में होता है, बहुत तेजी तेजी से चलता है, हर काम जल्दी जल्दी करना चाहता है। इस पेशेंट की एक खास बात और थी दोस्तों कि ये पेशेंट बहुत ही अधीर होता है, उत्तेजित होता है, नर्वस होता है, जैसा कि आरएमएट और लिलियम ट्रिग में भी होता है, उससे आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है बहुत ही विचित्र प्रकार की इसकी भावनाएं होती हैं। इस पेशेंट को जब छत पे हो, खिड़की खुली हो, तो उसके मन में आता है कि खिड़की से कूद जाए, इस तरह की भावना इसके मन में आती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, किसी पेशेंट में अगर ऐसा दिखे आपको तो आप उसका यूज कर सकते हैं दोस्तों वहां पे। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम हेडेक की बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। इसके हेडेक की कुछ खास बातें हैं। पहला ये कि जो हेडेक होता है इसका ये होता है कंजेस्टिव होता है, कंजेशन हो जाता है सिर में, हैवीनेस, भारीपन बहुत ज्यादा होता है। इवन दोस्तों ऐसे पेशेंट के लिए जो कि काफी एजुकेटेड हों, पढ़े लिखे हों, और उनको अगर खास उससे हैबिचुअल अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसकी वजह से अगर सिर में दर्द होता है तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। सेकेंडली ये हेमिक्रेनिया की भी अच्छी दवा है, मतलब ये कि वन साइडेड जो हेडेक होता है, एक तरफ का सिर दर्द जिसको अधकपारी बोलते हैं या अधशीर्ष का दर्द, तो उसकी एक अच्छी दवा है। और इसकी खास बात वहाँ पे क्या होती है जो सिम्टम्स है कि मेंटल वर्क करने पे इसकी तकलीफ बढ़ जाती है दोस्तों, दबाव देने से, कस के बांधने से इसके दर्द में आराम मिलता है। इसको आप एपिस मेल और पल्स से सब कंपेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम के सिर दर्द की एक खास बात और है, इसका जो सिर दर्द होता है उसमें ऐसा फील होता है जैसे सिर उसका फैल रहा हो, इस तरह की फीलिंग होती है पेशेंट को। सेकेंडली दोस्तों इसका जो सिर दर्द होता है उसमें जो टेम्पल बोन है उसका जो फ्रंटल एमिनेंस है वहां पे ऐसा महसूस होता है जैसे स्क्रू किया जा रहा है, किसी चीज से कसा जा रहा हो, इस तरह का दर्द होता है, इस तरह की फीलिंग होती है। ये फ्रंटल एमिनेंस जो उभरा हुआ भाग है यहाँ का सामने का, तो वहां पे। सेकेंडली दोस्तों इसका जो सिर दर्द होता है उसमें आराम जो मिलता है वो है कि जब उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, वो भी पित्त की, बिलियस उल्टी होती है, बिलियस वोमिटिंग होती है, पित्त की उल्टी होती है, तो पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये इसके सिरदर्द की एक बड़ी खास बात है, जो ऐसा मैंने आपको बताया कि जो सिरदर्द बढ़ता है इसका मेंटल वर्क ज्यादा करने की वजह से,
एग्जॉस्टिव वर्क जो अगर मेंटल करता है पेशेंट, तो उसकी वजह से तकलीफ बढ़ जाती है इसकी। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है अर्जेंटम नाइटिंगम। अर्जेंटम नाइटिंगम ये बहुत ही अच्छी दवा है एक्यूट ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस की। ये गर्मी के दिन में अक्सर हो जाता है पेशेंट को। आप देखेंगे ऐसे में क्या होता है कि ये जो आंखें होती हैं, जो कंजक्टिवाइट कंजक्टाइवा होता है आंख में, वो बिल्कुल रेड हो जाता है, स्कारलेट रेड समझिए कि बहुत ज़्यादा, और ऐसा महसूस होता है जैसे कि कच्चा मांस होता है रेड, उस तरीके का लाल हो दिखने लगता है, और उसमें से आँख से म्यूकोप्रोलेंट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। म्यूकस के साथ साथ में स्लेस्मा और पस का डिस्चार्ज आँख से होने लगता है। तो ऐसे केस के लिए बहुत अच्छी दवा है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। सेकेंडली दोस्तों ऐसे बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल सॉरी में होते हैं, आप देखा होगा बिल्कुल न्यूनेटल ऑप्थैल्मिया न्यूरेटम बोल उनको बोलते हैं, मतलब बच्चों की उन कंडीशंस को जिनके आँख में इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ से म्यूकस का पस का डिस्चार्ज होने लगता है, और बिल्कुल जो बच्चे बिल्कुल सॉरी में होते हैं, बच्चा जिसे जन्म लेता है उसके बाद ही आँखों में बच्चों की जो तकलीफ होती है उसकी सबसे बेस्ट दवा है अर्जेंटम नाइटिकम दोस्तों। यहाँ पे आप मर्कसाल से पस पल्सटिला से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट दवा वो आती है ये। और कभी कभी क्या होता है कि जब कुछ केस में जब ऑफ्थैल्मिया का केस होता है वहाँ पे अर्जेंटम नाइटिकम से जब दवा देते हैं तो उससे आराम तो होता है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं होता, तो उसके बाद फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं पल्सटिला से। पल्सटिला देने के बाद में फिर वापस अर्जेंटम नाइटिकम जब आप देते हैं तो उससे वो रोग बिल्कुल हमेशा के लिए सही हो जाता है दोस्तों। ऑप्थैल्मिया न्यूनाटोरम के दौरान छोटे बच्चों में जो प्रोफ्यूज ज्यादा मात्रा में म्यूकोपुलिन डिस्चार्ज होता है, म्यूकस का डिस्चार्ज होता है, तो वैसे केस के लिए एक अच्छी दवा है ये अर्जेंटम नाइटिकम, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ में दोस्तों जब ऑप्थैल्मिया के केस में मॉर्निंग में सुबह के समय में आंखें जब चिपक जाए, आंखों से डिस्चार्ज हो, डिस्चार्ज की वजह से आंख चिपक जाए सुबह के समय, पेशेंट को खोलने में बड़ी तकलीफ हो, तो ऐसे केस की बहुत अच्छी दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों एपिस मेल्थ के साथ में, मर्क सॉल के साथ में और रस्टॉक्स के साथ में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि अर्जेंटम नाइट्रिकम आंख की बहुत अच्छी दवा है, तो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आएगी आपको। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो लोग महीन काम करते हैं, सिलाई बुनाई का काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए जिनका आंखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, जोर पड़ता है, और उसकी वजह से आंखों में जो तकलीफ होती है, दिखना कम हो जाता है, वैसे केस के लिए बहुत अच्छी दवा है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। और इसकी जो तकलीफ होती है आप देखेंगे तो जो गर्म कमरा होता है वैसे में तकलीफ इसकी बढ़ जाती है, और खुली हवा में तक पेशेंट को आराम मिलता है, तो वैसे के इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। इसको आप नेट्रमम्यूर से और रूटाजी से कंपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों सेकेंडली इसकी खास बात ये होती है कि जो प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं हो पाता है आंखों का, होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ में जब ज़्यादा स्ट्रेन करने लगते हैं, दबाव देकर के पढ़ना या बार बार आँख को, जैसे आप किसी चीज़ के सामने हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप लैपटॉप मोबाइल कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आंखों पे ज़्यादा आपको जोर देना पड़ता है। जब आप आंखों पे ज़्यादा जोर देते हैं तो एकोमोडेशन जो होता है आंखों का, उसमें स्ट्रेन खिंचाव पैदा होता है, आंख की जो मसल्स होती है एकोमोडेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता हो पाता, वैसे केस के लिए बहुत अच्छी दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम दोस्तों। इसी वे में नेट्रमी और रोट्राजी भी अच्छी दवा है, लेकिन साथ में ये भी दवा एक अच्छी दवा है दोस्तों। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है उसको मीठा बहुत पसंद है, चीनी शक्कर बहुत खाना चाहता है, लेकिन तकलीफ उसको तब होती है जब मीठा खाने की वजह से पेशेंट को डायरिया जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, लूज मोशन होने लगता है। ये इस पेशेंट की बहुत खास बात है दोस्तों। इसको दोस्तों आप कंपेयर कर सकते हैं कैल्केरिया फॉस के साथ में। कैल्केरिया फॉस में नमक की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है पेशेंट की, और साथ में भुना हुआ मांस खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है दोस्तों। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट में एक बड़ी खास बात होती है कि उसमें डकारें बहुत आती हैं पेशेंट को। अक्सर आप देखेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम को जो पेशेंट होता है उसको डकार आती है, और फ्रेजुलेंस जिससे पिप्सिया की शिकायत रहती है, हमेशा इसको डकार आती रहती है, खाना खाने के बाद डकार आती है, खाना खाने के बाद पेट बिल्कुल फूल जाता है, ऐसा लगता है इसे फट जाएगा, और डकार बड़ी मुश्किल से आती है दोस्तों। इसकी बड़ी खास बात है डकार बड़ी मुश्किल से आती है, बड़ी मेहनत करने के बाद में डकार आती है और ज़ोर से आवाज़ के साथ में डकार आती है। तो ये अर्जेंटम नाइट्रिकम का एक बड़ा खास सिम्टम है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्जेंटम नाइट्रिकम डायरिया की भी एक अच्छी दवा है,
और डायरिया की इसकी जो खास बात है दोस्तों कि इसका जो डायरिया होता है वो हरे रंग का निकलता है। जो लैट्रिन होती है कभी कभी हरे रंग की होती है, कभी कभी हरे पालक जैसा होता है, बिल्कुल पानी जैसा कर दिया जाए उसको मिक्स करके या घोल दिया जाए तो उस तरीके का होता है। स्पेनिश जैसा डायरिया होता है, कभी कभी क्या होता है जो डायरिया नॉर्मल होता है लेकिन थोड़ी देर छोड़ने के बाद में उसका कलर चेंज होकर के हरे रंग में हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस होती है डायरिया की जिसमें अर्जेंटिन नाइट्रिकम फायदा करती है। सेकेंडली दोस्तों, अर्जेंटिन नाइट्रिकम की जो डायरिया में खास बात होता है कि जो स्टूल होता है वो विथ फ्लैटेस्ट पास होता है, मतलब फट 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 करके पास होता है डायरिया के साथ में। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा, ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको इस तरह की चीज़ होती है कि फट फट करके आवाज़ करके डायरिया होता है। तो इसको आप एलोज से कंपेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे केस के लिए बहुत अच्छी दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम के डायरिया की एक बड़ी खास बात है कि इसका जो डायरिया होता है वो ड्रिंकिंग करने के बाद, पेय पदार्थों का यूज करने के बाद, या आप कहिए कि गन्ना जिसको ईख बोलते हैं उसका सेवन करने के बाद या चीनी का सेवन करने के बाद डायरिया हो, तो वैसे केस में बहुत बढ़िया काम करती है। सेकेंडली दोस्तों, इसकी जो स्टूल होता है उसमें कभी कभी म्यूकोपुरलेट मतलब म्यूकस जैसे लंप जैसी चीजें भी आप देखेंगे कि पतली डायरिया होती है, उसके साथ साथ में कुछ गांठ जैसी या लंप जैसी चीजें आपको स्टूल के अंदर मिलेगा। तो वैसे केस के लिए बहुत अच्छी दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम दोस्तों। दोस्तों, जब पेय पदार्थों का सेवन करने के बाद डायरिया होने लगे या लूज मोशन होने लगे तो वैसे समय में बहुत अच्छी दवा काम करती है। इसको आप दोस्तों कंपेयर कर सकते हैं आर्सेनी के साथ में, क्रोटन टिक के साथ में और ट्रॉम्बिडियम एक दवा आती है उसके साथ में। दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट की एक बड़ी खास बात है कि इसका जो पेशेंट होता है उसकी जो यूरिन पास होती है वो अनजाने में ही निकलती रहती है, उसको पता नहीं चल पाता है। इसको आप कैप्सिकम से कंपेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। अर्जेंटम नाइट्रिकम नपुंसकता की भी बहुत अच्छी दवा है। जब पुरुष कॉपरेशन करने जाता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाता है तो उसी दौरान जो लिंग होता है वो शिथिल पड़ जाता है, तो वैसे केस के लिए बहुत अच्छी दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। दोस्तों, आप एग्नेस कैक्टस के साथ में, कैलेडियम के साथ में और सेरिलियम के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम का एक बड़ा खास सिम्टम है कि मेल और फीमेल दोनों को सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ही पेनफुल होता है और आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल में वेजाइनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। इसको आप नाइट्रिक एसिड से कंपेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम मेट्रोरेजिया की भी एक अच्छी दवा है दोस्तों। पेनफुल बेंसेस होते हैं और खास तौर से उन लेडीज में जो कि यंग है और विडो हो गई हैं, यंग है विधवा हो गई हैं उनके केस में, या इनफर्टिलिटी वाले जो पेशेंट्स होती हैं उनके केस में। और खास तौर से दोस्तों, इसके साथ साथ में एक सिम्टम और भी है कि जब मेनोपॉज का टाइम होता है उस दौरान अगर इस तरह की तकलीफें होती हैं तो उसमें आप लकेसिस इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो उसमें भी ये दवा काम आती है दोस्तों। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है उसकी क्रेविंग होती है ओपन एयर की दोस्तों। इसको आप एमिलनाइट्रोसम पल्स और सल्फर से भी कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, जो गायक कलाकार होते हैं उनकी जब क्रॉनिक लैरिंगजाइटिस हो जाती है, लैरिंग में जो स्वेलिंग हो जाती है वो पुरानी हो जाती है, तो वैसे केस के लिए बहुत अच्छी दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। सेकेंडली दोस्तों, ऐसे पेशेंट के लिए जिनको गाना जब ऊंची टोन में गाते हैं तो उनको खांसी आने लगती है, तो वैसे केस के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। इसको आप एल्यूमिना से, अर्जेंटम मेट से और आरएमट्रिफैलम से कंपेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है उसके पैरों में इतनी वीकनेस होती है और उसके साथ साथ में पैरों में कंपन होता है जिसकी वजह से पेशेंट कभी भी आंख बंद करके नहीं चल सकता है। ये इसकी नर्वस वीकनेस की वजह से होता है। इसको आप एल्यूमिना से कंपेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। जो पेशेंट होता है न तो दृढ़तापूर्वक खड़ा होता है न दृढ़तापूर्वक चलता है, विशेषकर उस कंडीशन में जब वो सोच लेता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है। ये इसका एक बड़ा डिफरेंट सिम्टम है दोस्तों। दोस्तों, कन्वल्जन्स शुरू होने से पहले जो बेचैनी होती है उस दौरान अगर अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। दोस्तों, आपने कई सारे ऐसे पेशेंट को देखा होगा जिनके अंदर किसी चीज़ को निगलते समय डिग्लूटिशन के दौरान में गले में दर्द जैसा या कांटा चुभने जैसा महसूस होता है, तो वैसे केस की बहुत अच्छी दवा है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं
डोलिकॉस के साथ में, हिपरसर्ब के साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में, इवन इसके साथ में सेलिसिया के साथ में इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों, इसका एक और सिम्टम है कि किसी लेडी पेशेंट को या तो यूट्रस में या यूट्रस के पास में भी इस तरह की फीलिंग, चुभने वाला दर्द महसूस होता है जब वो चलती है या जब वो राइडिंग करती है, घुड़सवारी करती है, किसी सवारी पे बैठ करके चलती है, तो उसको यूट्रस या उसके आसपास के एरिया में इस तरह की चुभन वाली दर्द महसूस होता है दोस्तों। तो वहां पे आप अर्जेंटम नैट्रिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। अर्जेंटम नैट्रिकम का एक बड़ा खास सिम्टम है कि पेशेंट खुला नहीं रहना चाहता है, खुला रहने पे उसको ठंड लगती है, और जब कपड़े ओढ़ लेता है तो उसको बेचैनी होने लगती है। ये इसका बड़ा खास सिम्टम है, और पेशेंट हमेशा दोस्तों खुली हवा, ताजी हवा चाहिए होता है उसको, ये उसकी क्रेविंग है, तो वैसे केस में बहुत अच्छा काम करे दोस्तों। जो अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा बनती है ये बनती है सिल्वर नाइट्रेट से। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब इसके रिलेशनशिप के बारे में, किससे दूसरे दवाओं से क्या संबंध है। तो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है दोस्तों, तो सिल्वर नाइट्रेट का जब हम क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग कटराइजेशन के दौरान या दूसरी चीज़ों में, इसके जो दोस्तों बैड इफेक्ट्स होते हैं उसको दूर करने के लिए नेट्रमयूर का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली दोस्तों, जो कॉफिया क्रूडा होता है, कॉफिया जो होता है वो जो नर्वस हेडेक होता है उसको बढ़ाती है। दोस्तों तंबाकू के प्रयोग के बाद लड़कों को होने वाले जो रोग होते हैं, वहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं इस दवा को आर्सेनिक के साथ में और वेरेट्रम एल्बम के साथ में। दोस्तों दोस्तों यह दवा सिमिलर है नेट्रमयूर, नाइट्रिक एसिड, लैकेसिस, आरमेट और क्यूप्रमेट के। आफ्टर वेरेट्रम एल्बम लाइको बढ़िया काम करती है ड्यूरिंग फ्लैचुलेंस डिस्पेप्सिया के केस में। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम की जो तकलीफें बढ़ती हैं वो ठंडे हवा में, ठंडे मौसम में, आइसक्रीम खाने से, मेंटल एग्जर्शन ज़्यादा करने से, शुगर का इस्तेमाल करने से इसकी तकलीफें दोस्तों बढ़ जाती हैं। तो पेशेंट को जो आराम मिलता है वो खुली हवा से, चाहता है पेशेंट कि उसके चेहरे पर खुली हवा डाली जाए, उससे आराम मिलता है, ठंडे पानी से नहाने पे पेशेंट को आराम मिलता है। तो जब क्रूड फॉर्म में अर्जेंटम नाइट्रिकम यूज़ करने पर जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूनेटल जो बेबी होते हैं, उनको जो आराम नहीं मिलता है, तो उस दौरान अर्जेंटम नाइट्रिकम की 200 या 1000 या जिसको 1 mm पोटेंशियल बोलते हैं, इसका पानी में हल्का सा डाइल्यूशन बनाने पर, पानी में थोड़ा सा एक दो घूंट डालने के बाद उसको जो आंखों को धुला जाता है, तो उससे बहुत तेजी के साथ में और उसका अंदर से भी इस्तेमाल करने पे तेजी से जो ऑफ्थैल्मिया न्यूनेटोरम का जो पेशेंट होता है, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर तेजी से इम्प्रूवमेंट देखा जाता है दोस्तों। तो बहुत तेजी से आराम मिलता है उनको। तो दोस्तों ये सारी बातें हुई आज अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में। तो दोस्तों आज की बात बस इतनी ही। अगर आपको जानकारी आज की अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।